हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही वाली पनीर, जो झटपट बनने वाली एक स्वादिष्ट सब्जी है। ये घर में सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम आधी कप दही डालेंगे, यानी 4 से 5 बड़े चम्मच दही हमने लिया है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मिक्स करेंगे। अब हम लेंगे 300 ग्राम पनीर, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसे हम दही वाले मिश्रण में डालकर मिक्स करेंगे। अब इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची यानी काली इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, जावित्री थोड़ा सा, 4 लौंग। इसे थोड़ा भूनेंगे। अब डालेंगे 2 तेज पत्ते, 4 प्याज जिसे मैंने पतले लंबे स्लाइस में काट लिया है। अब इसे हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। प्याज हमारे भून गए हैं, अब इसे ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 टमाटर की प्यूरी, टमाटरों को काट कर मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सबको हम भूनेंगे। हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, तीखा आप अपने अनुसार करें। नमक डालेंगे 1 छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार। फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती है। अब इसे हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच फेटी हुई मलाई डाल देंगे। मलाई एक दिन पहले की भी होगी तो भी डाल सकते हैं। 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर डालेंगे और सबको हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। मलाई के बदले आप 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, और इसे हमें चलाते हुए मिक्स करना है। पनीर को मैरिनेट करते समय जो हमने दही डाला है, दही हमारी बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा खट्टी दही होगी तो हमारी सब्ज़ी बहुत खट्टी हो जाएगी। अब ढककर 2 से 3 मिनट इसे हम कुक होने देंगे। अब लास्ट में हम 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इस सब्जी में हमने पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया है। अब अंत में हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप इसे रोटी पराठे या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में इसे ट्राई करें, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी थी। थैंक यू।